ग्राम पातपात। जी हाँ, मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बीरिया घाट में भू संरक्षण विभाग के द्वारा बड़ी ही चतुराई के साथ भ्रष्टाचार किया गया है। ग्राम पंचायत बीरी घाट के द्वारा वर्ष 2010 में उक्त जगह पर मनरेगा योजना से तालाब का निर्माण करवाया गया था, जिसके ऊपर भू संरक्षण विभाग ने और एक तालाब का निर्माण करवा दिया है, वो भी मजदूरों से नहीं बल्कि जेसीबी मशीनों से। आपको बता दें, विभाग इन दिनों अंचल में धड़ल्ले से चेक डैम व तालाब निर्माण करवा रहा है, लेकिन नियमों को दरकिनार करते हुए जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्य किया जाना है उसी ग्राम पंचायत और एक समिति चयन करती है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अपनी पहुंच व राजनीति की धौंस दिखाकर बिना पंचायत के राय लिए कार्य करवा रहे हैं। मैनपुर के जनपद सदस्य निर्भय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि उक्त जगह पर पहले ग्राम पंचायत की तालाब थी, तो फिर क्यों तालाब के ऊपर तालाब निर्माण करवाया जा रहा है, वो भी जेसीबी मशीन से। वहीं बिरीघाट के सचिव सलाम खान ने बताया कि उक्त स्थान पर पहले से ही ग्राम पंचायत का तालाब था। वहीं इस पूरे विषय पर विभाग कुछ भी बोलने से साफ मना कर रहा है। ब्लॉक के बिरीघाट में बगैर अनुमोदन बगैर प्रस्ताव का जहां तालाब बनाया जा रहा है, उसी में पंचायत द्वारा 2010 में तालाब बनाया गया था, उसमें आपका क्या कहना है? बिना अनुमोदन और बिना प्रस्ताव के तो कोई तालाब या कोई एस्टीमेट बना ही नहीं सकते। वहाँ का गिरीघाट का कौन सा से जगह कहा है उसको देखना पड़ेगा, और अनुमोदन बिना इसका क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत के अनुमोदन और उसके प्रस्ताव के आधार पर भी उसी के आधार पर कोई अपने यहाँ तालाब बन सकता। और वो काम जेसीबी के तहत कराया गया है या प्रावधान है कि जेसीबी से कराने का? हाँ, अपने यहाँ है, जेसीबी से करा सकते हैं। कोई मशीन नहीं, जब लेबर वगैरह का उसमें ऐसे बनाने से बन नहीं पाता है पूरा जो है। जेसीबी से कराने के लिए पंचायत का प्रस्ताव लिया जाता है कि मजदूर यहाँ नहीं मिल रहा है करके प्रस्ताव लिए हैं? नहीं, बोले अपने जेसीबी कराने का है जब ये उसके लिए प्रस्ताव लिया जाता है कि पंचायत में मजदूर नहीं मिल रहा है करके। नहीं, प्रस्ताव के लिए नहीं है, नहीं लिया है ना। भू संरक्षण विभाग के द्वारा तालाब निर्माण करवा गया है, तो पहले आपके पंचायत के द्वारा वहाँ पर क्या बनाया गया था? नरेगा से 2010 में तालाब निर्माण किया गया। आप लोग 2010 में तालाब निर्माण करवाए? हाँ, ग्राम पंचायत बनाई थी, ग्राम एजेंसी थी। हाँ, कौन सी योजना में? नरेगा। अच्छा, आपको पता है कि उसी तालाब के ऊपर यहाँ पर भू संरक्षण विभाग के द्वारा और एक तालाब निर्माण करवाया गया? कृषि विभाग द्वारा बनवाया जा रहा है वहाँ और एक तालाब निर्माण करवाया। तो आपको पता था, आपको मतलब आप लोग 2010 लोग इसके बारे में तो कोई आदेश नहीं मिला है, काफी सूचना देखने से पता चल रहा है कि वहाँ तालाब बन रहा है। तो आप लोग पहले वहाँ तालाब बनाए थे? हाँ, 2010 में बनाए थे। मतलब आपके तालाब के ऊपर और एक तालाब निर्माण करवाया गया है? हाँ जी, ऐसा ही। यहाँ पर जब तालाब निर्माण का काम 1 जनवरी को जब शुरू हुआ, मैं यहाँ पर पहुँचा, मैं ट्रैक्टर और जेसीबी, एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर चल रहा था। मैं उनसे पूछा कि ये मतलब कौन काम करवा रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जाटव सर कोई हैं भू संरक्षण विभाग के, उनके कहने पर हम काम कर रहे हैं। तो ये शायद भू संरक्षण विभाग के द्वारा एक तालाब निर्माण करवाया जा रहा है। उसके पश्चात मैंने सचिव साहब से पूछा पंचायत के, तो कि यहाँ पर इससे पहले 1910 में नरेगा के माध्यम से एक तालाब निर्माण हो चुका था, और तालाब के ऊपर में ये तालाब निर्माण कर रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है। और दूसरा चीज़ ये है कि भू संरक्षण विभाग के द्वारा इस क्षेत्र में जितने भी तालाब और जितने भी मतलब कार्य करवाए जा रहे हैं, जेसीपी और मतलब ट्रैक्टर के माध्यम से करा रहे हैं, जिनके कारण मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रहा है और मजदूरी पलायन की स्थिति में है। अगर इसी कार्य को जेसीपी से ना करा के मजदूरों से कराते तो कम से कम मजदूरों को उनका रोजी रोटी मिलता और ये पलायन की स्थिति नहीं बनता। ये जो कार्य हो रहा है बहुत गलत ढंग से हो रहा है, और मतलब यहाँ केवल भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये विभाग एक साधन बना लिया है तालाब और चेक डैम के माध्यम से इस क्षेत्र में अरबों और खरबों रुपया का लूट मचा के रखे हैं। 5 साल में न जाने कितने चेक डैम और कितने तालाब बने हैं हमारे क्षेत्र में, इसकी गिनती नहीं है। मेरे क्षेत्र में 4-5 चेक डैम अभी बन रहा है, मैं एक एक चीज़ की जानकारी रखा हूँ। और 17 लाख 18 लाख, अब मैं पूछता हूँ जब जाटों को, तो वो बोलता है कि कलेक्टर साहब जानेंगे, हम कलेक्टर साहब के आदेश से काम करते हैं। ये तालाब कितने की है? ये तालाब को मैं जब जाटों को पूछा कितने का है, तो बोला कि ना ये मैं इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। मैंने उप संचालक महोदय से जब बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि 29 लाख का तालाब है और इसका मतलब कार्य थोड़ा सा बाकी है, जबकि ये मात्र यहाँ
एक महीना के लगभग एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर काम किया है और ये 15 फीट का मतलब ओवरफ्लो बनाया है और एक छोटा सा गेट बनाया है जिसमें पानी सप्लाई होने की भी संभावना ही नहीं है।